आज डिस्कस करेंगे कार्बोरेटर के बारे में। जो कार्बोरेटर होता है वो कैसे वर्क करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो कार्बोरेटर होता है वो हमारा पेट्रोल इंजन में काम करता है। जो पेट्रोल इंजन है उसे रिक्वायर होती है फ्यूल बर्निंग के लिए एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। तो जो प्रॉपर मिक्सचर बनाने का काम करता है वो करता है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का मेन फंक्शन क्या है? एयर और फ्यूल का एक अच्छा मिक्सचर देना पेट्रोल इंजन को, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके और फ्यूल हमारा जो कंप्लीटली बर्न हो सके। तो वो कार्बोरेटर कैसे काम करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखते हैं। जो बेसिक कार्बोरेटर है हमारा वो इस तरह का होता है, उसकी डायग्राम देख लेते हैं। एक पाइप की तरह का होता है जिसके बीच में एकदम से जो उसका एरिया है वो कम हो जाता है, ये एरिया, और फिर से वो इंक्रीज होता है। जो एरिया ये कम होता है इसको हम बोलते हैं वेंचुरी। ये वेंचुरी हम इसको बोलते हैं जहां पे एरिया कम होता है। इसके ऊपर यहां पे फिल्टर लगा होता है जो एयर को फिल्टर करता है, ये है एयर फिल्टर। जो एटमॉस्फेयर से हमारी एयर आएगी तो उसको ये फिल्टर करके आगे भेजता है, तो यहां से एयर एंटर करती है, ये है एयर फिल्टर। इस फिल्टर के बिल्कुल नीचे यहां पे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम बोलते हैं चोक। चोक क्या काम करता है? अगर ये बंद हो तो एयर की सप्लाई को आगे नहीं जाने देता, अगर हम इसको खोल दें तो एयर आगे जाती है। तो चोक क्या करता है? एयर की सप्लाई को चोक करता है, मींस उसको रोकता है या फिर उसको सप्लाई करता है। जैसे विंटर के सीजन में हम चोक लगाते हैं मोटरसाइकिल में या फिर गाड़ी में, तो चोक लगाने का क्या मतलब है? हम चोक को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है एयर की सप्लाई बंद हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है, जिससे हमारा फ्यूल मिक्सचर जो रिच फ्यूल हमें आगे मिलता है, एयर कम मिलती है और फ्यूल ज्यादा मिलता है, एयर को हम रोक देते हैं। तो जब हम चोक लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने चोक को क्लोज कर दिया है, एयर की सप्लाई को बंद कर दिया है लगभग। तो यहाँ पे चोक लगा होता है बिल्कुल एयर फिल्टर के नीचे, और नीचे इस पाइप के बिल्कुल यहाँ पे एक और वाल्व लगा होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व, ये जो वाल्व है ये कनेक्ट होता है इंजन की जो एक्सलरेटर है, जो हमारी गाड़ी का एक्सलरेटर है जिसको एक्सलरेट करेगा। जैसे मोटरसाइकिल की ये रेस के साथ कनेक्ट होता है, जो भी चीज हमारी एक्सलरेटर पैडल गाड़ी का है तो उसके साथ कनेक्ट होगा, अगर मोटरसाइकिल में है तो ये हैंडल में रेस के साथ कनेक्ट होगा। जब हम उस पैडल को दबाते हैं या मोटरसाइकिल की रेस को आगे बढ़ाते हैं, खींचते हैं, तो ये हमारा ऑपरेट करता है। जब हम एक्सलरेटर पैडल को दबाते हैं तो ये हमारा ओपन हो जाता है, उससे क्या होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से बाहर जाता है। जितना ये ओपन होगा उतना ही रिच मिक्सचर हमें एयर और फ्यूल का मिलेगा। तो जितना ओपन होगा उतना ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर आगे जाएगा और उतनी ही हमारी इंजन की स्पीड बढ़ेगी। जैसे बाइक के अंदर जब हम रेस करते हैं बाइक की, तो ये ओपन हो जाता है, तो जैसे जैसे हम इसको रेस बढ़ाते हैं ये ओपन होता रहता है, तो ओपन होता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमें ज्यादा मिलता है। तो ये तो है इस पाइप की कंस्ट्रक्शन। इसके साथ हम अटैच होता है हमारा एक फ्लोट चैम्बर। फ्लोट चैम्बर, हम इसको फ्लोट चैम्बर क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यहां पे हमारा कोई ऑयल टैंक है, ये है ऑयल टैंक। इस ऑयल टैंक से ये फ्लोट चैम्बर कनेक्ट होता है। इसको फ्लोट चैम्बर क्यों बोलते हैं? इसके अंदर एक वाल्व होता है जो कि इस फ्लोट चैम्बर के अंदर फ्लोट करता है। ये हमारा ऑयल टैंक से कनेक्ट होता है। जो ऑयल टैंक है हमारा वो इसको सप्लाई करता है फ्यूल, और
इसके अंदर यहां पे ऑयल फिल हो जाता है। अब जब ऑयल इसके अंदर फिल हो जाता है तो ये जो वाल्व है ये ऊपर आके यहां पे इसको बंद कर देता है, और जैसे ही एम्प्टी होता है तो ये फ्लोट नीचे की तरफ जाता है, और ये नीचे होने के कारण ऊपर से ऑयल दोबारा फिल होने लग जाता है। जैसे ही ऑयल पूरा फिल होता है ये फिर फ्लोट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे बंद कर देता है इसको। तो ये एक फ्लोट चैम्बर है जो हमारा थोड़ा फ्यूल रखता है और जो हमारा कनेक्ट होता है इस पाइप से। अब देखिए ये वर्क करता कैसे है, पूरा मैकेनिज्म। जब एयर यहाँ से आती है एटमोसफियर से चोक के थ्रू होती हुई वो यहाँ से निकलती है, लेकिन जैसे ही यहां से इस एरिया से निकलेगी तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। जब यहां पे प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये एयर क्या करेगी, यहां पे सक्शन इफेक्ट क्रिएट करेगी, ये इस ऑयल को अंदर की तरफ खींचेगी, जिससे क्या होगा, ये जो पेट्रोल है ये फ्यूल है ये अंदर की तरफ सक होगा इस एरिया में। तो इस एरिया में सक होने के कारण क्या होगा, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह, और इनके मिक्स होने से क्या होगा, यहाँ पे हमें दोनों ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिलेगा। ये मान लीजिए फ्यूल है और ये एयर है, तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा इस थ्रोटल वाल्व की तरफ, और जैसे ही इस थ्रोटल वाल्व को हम ओपन करेंगे एक्सेलरेटर पैडल के साथ तो क्या होगा, हमें एक मिक्सचर मिलेगा एयर और फ्यूल का जो हमारा इस थ्रोटल वाल्व से बाहर जाएगा, इस थ्रोटल वाल्व से। तो यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे जो हमारा ऑयल था ये अंदर सक हुआ, जब ये एयर आई यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया इस एरिया में, इस वेंचुरी पे। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ ये इस प्रेशर से क्या है, कम है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी ज्यादा है, तो एक तो ये सक्शन इफेक्ट क्रिएट करेगा और इधर से जो फ्यूल है अंदर की तरफ जाएगा, तो एकदम से अंदर सक होगा और दोनों का मिक्सचर हमें मिलेगा एयर प्लस फ्यूल का। एक अच्छा मिक्सचर मिलने के बाद जब हम इस थ्रोटल वाल्व को ओपन करेंगे तो हमें जो ये मिक्सचर है आगे ये कहाँ पे जाएगा, इंजन सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर ये चला जाएगा और ये वर्किंग करेगा। यहाँ पे जब यहाँ से फ्यूल खत्म होना स्टार्ट होगा तो फ्लोट नीचे की तरफ आएगा, तभी ऑयल टैंक से ऑयल इसके अंदर फिल हो जाएगा और ये फ्लोट फिर ऊपर जाके इसको बंद कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और कार्बोरेटर अपना काम करता रहता है। तो ये थी वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।